नमस्कार, मैं हूँ माया। देसी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। ये हम इतनी सी घिया के लिए दो प्याज, दो टमाटर, लहसुन, अदरक और ये थोड़ा सूखा मसाला काली मिर्च, इसमें दो लौंग हैं, दो बड़ी इलायची हैं। अब हम घिया को कद्दूकस करेंगे। सबसे पहले अब हम घिया को कद्दूकस करेंगे और इन मसालों को, सूखे मसालों को पीस लेंगे। ये हमने एक बार तो इसका पानी निचोड़ दिया है, दोबारा हम थोड़ा सा नमक लगा के रखेंगे इसमें ताकि घी अपना पानी और भी छोड़ दे। दो मिनट रखेंगे इसको, इतना हम इसको कट करेंगे, ठीक है। हमने घी का दोबारा से पानी निकाल दिया जो हमने नमक लगा के रखा था। ये हमने कोफ्ते के लिए काटे हैं थोड़े से प्याज, अदरक और लहसुन। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। ये सूखे मसाले पीसे थे हमने, थोड़े से भी डालेंगे। हाँ, इसमें थोड़े से डाल लें। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। उधर हमने अपना तेल रख रखा। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमक इसमें थोड़ा सा ही डालना क्योंकि हमने पहले घिया का भी नमक लगाया था। इसमें पानी तो बिल्कुल नहीं डालना, पानी तो अपने आप ही बन जाता है। ऐसे मैं थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही ताकि अंदर तक पक जाए। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर है ताकि कोफ्ता अंदर तक पक जाए। छोटे छोटे गोले बनाए और इस सूखे बेसन में ऐसे ऐसे लपेट के हम सारे ही ऐसे बनाएंगे। ये इधर हमारा तेल गरम है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखना दोस्तों। ये ऐसे ही हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अब हम ग्रेवी के लिए हल्के से प्याज भूनेंगे। ये हम हल्के से ही प्याज फ्राई करेंगे। प्याज टमाटर की भी ग्रेवी बना सकते हैं लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसको फ्राई करेंगे प्याज और टमाटर को। ये हल्के से ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें टमाटर डाल लेंगे, अदरक और लहसुन। ये हमारे प्याज टमाटर, अब हम तड़के के लिए इसमें ये 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लाल मिर्च, 3 तेज पत्ता, ये जीरा, ये थोड़ा सा हींग,
ये हमने जो सूखे मसाले पीस के रखे ये हमने जो सूखे मसाले पीस के रखे थे वो इसमें डाल दिए। इसमें हल्दी डालते हैं, ये इसमें नमक डालते हैं, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा धनिया डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला, ये हमारी ग्रेवी, ये देख तेल छोड़ दिया इसमें। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे, इसमें लगभग 2 गिलास पानी के डाल देंगे। अब हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया, अब हम इसमें कोफ्ते डाल लेंगे। इसमें मलाई डाल लेंगे, मलाई हमेशा कम आंच करके डालना। इसमें 2 बड़े चम्मच मलाई के हैं, 2 ही चम्मच इसमें दूध के हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे हम। ये हमने डालते इसको घुमाते रहना ताकि हमारी मलाई फटे ना। अगर दोस्तों आपकी किसी कारण ग्रेवी पतली बने या अच्छी ना बने तो इसका नुस्खा मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। हमारी मलाई कोफ्ते तैयार हैं। यह हमारा मलाई कोफ्ता तैयार है। ये मैंने 2 चम्मच मलाई के इसके लिए रखे थे। दोस्तों अगर आपकी कोफ्ते किसी भी कारण थोड़े पतले रह जाए ना तो थोड़ा सा आप उसमें या तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ले लीजिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो 1 चम्मच गेहूं का आटा लेकर उसको अच्छी तरह से पानी में मिलाकर और थोड़ा थोड़ा करके इसकी ग्रेवी में डाल देना, तो आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी उससे।